ये आपको दिखाते हैं कि किचन में आज क्या बन रहा है। और ये मिस्टर बना रहे हैं आज आलू की कचौड़ी के लिए, आलू फ्राई कर रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट से खाने का मन कर रहा है आलू कचौड़ी, तो खुद से फ्राई करना चाहते हैं इसलिए खुद फ्राई कर रहे हैं। ये भी जो आलू की कचौड़ी का जो मसाला होता है उसके लिए प्याज और लहसुन फ्राई कर रहे हैं, फिर उसमें ये आलू डालेंगे। अब स्पेशल दम आलू मसाला। ये एक्चुअली दोस्तों हमारे यहाँ इलाहाबाद का है हरी सन्स दम आलू मसाला, जो कि हमारे यहाँ ही मिलता है खाली। तो आज कुछ टेस्टी सा बनने जा रहा है, तो हमारी वीडियो जरूर देखते रहिए। तो जैसे कि नॉर्मल वीडियो में बताते हैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। तो ये हम लोग का रैंडम व्लॉग है जो हमने अभी शाम को शुरू किया है। इतना प्यारा लग रहा है गोल्डन ब्राउन, और अब इसमें मसाला जाने वाला है। जब तक ये मसाला फ्राई होता है और ये इसका मसाला कचौड़ी का मसाला रेडी करते हैं, तब तक हम जो आज हम लोग शाम को सब्जी लेके आ रहे हैं इसको फ्रिज में सेट कर देते हैं अच्छे से। सबको अलग अलग करके सब्जी वाले तो सब एक साथ कर देते हैं सारी सब्जी। डाल दिया मसाला, इसमें 2 चम्मच दम आलू मसाला, 1½ चम्मच हल्दी पाउडर, और अगर चाहें तो लाल मिर्च वैसे निकाल लेंगे। कितना अच्छा पेस्ट आ रहा है, देखने में काफी प्यारा लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन दम में इसमें उबाल आ रहा है तेल में। अब हम इसमें, जा रहे हैं हमारे आलू का चालू। नमक बाद में डालेंगे। रुको जी, रुको जी, रुको जरा, सबर करो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बस मसाला रेडी होने वाला है, यम्मी और टेस्टी चटपटा कचौड़ी का मसाला। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और अब इसमें जा रहा है ये नमक जो कि है स्वाद अनुसार। हल्का ही डालो। आहा हा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पति के हाथ का बनाया हुआ खाने को खाने का जो मजा है ना, मजा ही कुछ और है। वैसे दोस्तों लड़कियां बहुत झूठी होती हैं पता है, वो कुछ भी बना दो गंदा सा बना दो खाना वो भी कहेंगे बहुत टेस्टी। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे जरा फिर से बोलना। वीडियो पीछे करो फिर से देखो। नहीं ऐसे डायरेक्ट आलू मैंने अभी कचौड़ी के साथ आपको दिखाया जाएगा कि कैसा है। देखिए कितनी मेहनत और लगन के साथ अपने खाने का सामान बना रहे, पसीना पसीना होके। दोस्तों ये देखिए फाइनली ये आलू तैयार हो गया है, और अब इसको भर के हम कचौड़ी बनाएंगे। बस थोड़ा सा वेट, अभी दिखाते हैं। फाइनली अभी कचौड़ी इसमें बन रही है। हाँ
और ये कचौड़ी रेडी है खाने के लिए। तो फिर भी जल्दी से देखते हैं कि इनको कचौड़ी कैसी लगती है खाने में। तो चलते हैं अपनी ये कचौड़ी लेके अब इनको खिलाने के लिए। आज इनका समोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो इसीलिए कचौड़ी बनानी पड़ी इनके लिए, मसालेदार आलू की कचौड़ी। और देखिए इनके एक्सप्रेशन। कैसी बनी है? वाओ, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, आप खाओ। आज मैं समोसे खाने बहुत मन कर रहा था, पर लॉकडाउन है तो जा नहीं सकते। जा क्या नहीं सकते, मैं ही नहीं जाओ कहीं। वाओ, आप लोग देख सकते हैं कितने करारे करारे बने। तो चलिए अब हम लोग डिनर करते हैं, और आप लोग भी आराम करिए। इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, खुश रहिए।